हे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो काफ़ी दिनों बाद फिर से आपका लक्कू भाई एक और नया व्लॉग लेकर आ गया है। तो आज है श्रावण का पहला सोमवार और आज इसी पर ये व्लॉग बन रहा है। तो मैं सुबह ये व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये व्लॉग अभी शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम जाएंगे हमारे जोबट के शिव मंदिर में, जो हर साल श्रावण सोमवार में हमारे जोबट के शिव मंदिर में ना झांकियाँ सजती है, जो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। और अभी हम चलते हैं पहले शिव मंदिर में और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से तैयारी हो रही है आरती की, और झांकियाँ जो सज रही है वो किस तरह से सजा रहे हैं। और वो झांकियाँ ना आपको आरती से कुछ देर पहले ही मिलेगी, क्योंकि वो उससे पहले उसे पर्दे से ढक कर रखते हैं। तो अभी हम पहले चलते हैं हमारे जोबट के शिव मंदिर। तो गाइस, अभी मैं नीचे आ गया था और मुझे अभी पता चला कि कुछ ही देर पहले ही सत्यनारायण मंदिर से बाबा महाकाल की शाही सवारी निकल चुकी है, और यहाँ पर कुछ ही देर में आपको अभी दिखेगी इस ब्लॉग में। और अभी हम उनके साथ ही जाएंगे सत्यनारायण मंदिर, और वहाँ पर अभी 8 बजे आरती होगी और उसके बाद हम वहाँ पर झांकियाँ भी देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं। तो गाइस, अभी हम आगे हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर के यहाँ पर, और जो बाबा महाकाल की सवारी थी वो अभी बीच में ये आ रही है। और तो अभी हम इस मंदिर में चलते हैं, खेड़ापति हनुमान मंदिर में चलते हैं हम अभी, और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी झांकियाँ सजाई जाती है जो अभी सजाई हुई है। तो अभी हम अंदर चलते हैं देखने के लिए। अभी हम मंदिर में, और आप देख सकते हो कि मंदिर को कितना अच्छे तरीके से सजाया गया है, और हर साल ऐसे ही अच्छे से सजाया जाता है। और अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे झांकी है, वो आरती के वक्त ही खुलेगी ये झांकियाँ। और तो हम आरती के वक्त भी आएंगे और देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से सजाई गई है ये झांकियाँ। तो अभी हम चलते हैं। अभी हम मंदिर से बाहर आ गए, और अभी हम बाबा महाकाल की जो सवारी सत्यनारायण मंदिर से निकली थी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी हम चलते हैं सत्यनारायण मंदिर में, क्योंकि वो वहीं पर आएगी और अभी वहां पर आरती होगी 8 बजे। तो अभी हम चलते हैं सत्यनारायण।
अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर में। और अब हम जा रहे हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर पर और इस व्लॉग का अब हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। वैसे आपने इस व्लॉग में देखा है कि हमारे जोबट के मंदिर और वहाँ पर जो झांकियाँ सजाई थी वो कैसी थी। तो बस इस व्लॉग में अब इतना ही था। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।